माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। प्यारे बच्चों, आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हो, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग सोना समझकर आते हैं कि सोना का भंडार है। तो बोर्ड पर पढ़े होंगे सोन भंडार लिखा हुआ होगा, स्वर्ण भंडार रहता तब सोना का भंडार होता। तो यह है क्या, यह सुरंगों का भंडार है जो 3 माइल की लंबी गुफा है, जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है। तो जस्ट उसी की बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाइएगा तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और विपली गुफा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन समिति सभा 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ उसी गुफा के प्रांगण में किया गया था, और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था सुपिटक विनय पिटक अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैलसर जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया। तो ये दरवाजा का जो निशान देख रहा बाबू, ये दरवाजा प्राचीन जमाने से बंद है, और इसी दरवाजे के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। वो तो तपस्या कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक जो कलकत्ता का साइंटिस्ट थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा, उसी से कैच होकर गर्म पानी का झरना बह रहा। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, लेकिन ज्वालामुखी फटता बाबू तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे राज का राज रख दिया और मुनि भैरव देव साधु ने एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि। जो भी व्यक्ति मंत्र को अध्ययन करेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, उस मंत्र के साथ क्या अत्याचारी किया गया है। ये मंत्र का नाम था शंख लिपि, जो नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधि। इसे 1199 में जब अल्लाह दिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से खुलसिमसिम वन सिमसिम का कूट भाषा में रह गया। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया, माथे का सिंह, बोटी का सिंह, पैर धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से तीसरे तीर्थंकर पारसनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ हो गया, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम में रखा गया। बगल वाली बेटा अजातशत्रु राज किया, अजातशत्रु का बेटा उदयन यहां से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र में बसा दिया गया, तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और एक पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं के आगे छज्जेदार बरांडा था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। तो एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे फायन होइनसन, जब भारत भ्रमण करने लगे उनकी डायरी के अनुसार जब उसकी इसकी खुदाई किया गया 1905 में तो डबल स्टोरी मिला, एक पत्थर का और एक ईटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया, जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला, वो अष्ट धातु का था, कीमती पत्थर रहने के कारण इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। ये दीवार पर जो प्रतिमा देख रहे बाबू जैन तीर्थंकरों का, तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और सितंबर। जैसे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, अक्षेवीनाथ, नेमीनाथ, आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला। जब भगवान महावीर स्वामी
कल्प ब्रिज के पास तपस्या किए थे उनका बनाया गया, लेकिन अलादीन बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया, तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो आज शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्ववासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में बिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गिरी है, क्योंकि बोर्ड पर साफ लिख दिया गया है सोन भंडार। और अंग्रेज सरकार भी इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में गया था। यह इतिहास है बाबू। मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर, आप लोग के सहारे परिवार का बोझ उठाता हूँ। आप लोग से जो इच्छा बने, जो श्रद्धा बने, गाइड को मदद करेंगे बाबू। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो लगन में आप लोग हैं उससे आगे बढ़कर दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।